हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमनु आईएएस। फ्रेंड्स, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड इंटरनेशनल नर्स डे। फ्रेंड्स, एवरी ईयर 12th ऑफ मई को हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल नर्स डे। आपको याद रखना है 12th ऑफ मई 1820 को जन्म हुआ था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, दैट्स वाई इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल नर्स डे। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस से लड़ने वाली हमारी कोरोना वॉरियर्स नर्सिस को सैल्यूट करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक को हम कवर करेंगे 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। सेकंड पार्ट में हम उस वॉर को डिस्कस करेंगे जिसने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बहुत फेमस बना दिया था। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। आज का टॉपिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 12th ऑफ मई 1820 और इनकी डेथ हुई थी 13th ऑफ अगस्त 1910। इनका जन्म फ्लोरेंस इटली में हुआ था, बट आपको याद रखना है ये इटली की सिटीजन नहीं है, ये ब्रिटेन की सिटीजन है। ये एक वेल ऑफ फैमिली से आती थी। जब ये बड़ी होती हैं देन ये अपनी फैमिली से बोलती हैं कि इन्हें नर्सिंग का कोर्स करना है। इनकी फैमिली इनको अलाउ नहीं करती, उसके बाद भी अपनी फैमिली के अंगेंस्ट जाकर नर्सिंग का कोर्स करती हैं। सेम टाइम पर एक वॉर स्टार्ट हो जाती है, इस वॉर का नाम था क्रीमियन वॉर। क्रीमियन वॉर के टाइम पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिन रात सोल्जर्स की हेल्प करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। इवन फ्रेंड्स, ये बोला जाता है रात में भी ये बहुत कम सोती थी और लैंप लेकर ये छावनी में कैंटोनमेंट्स में जाती थी और ये देखती थी कि किसी सोल्जर को दर्द तो नहीं हो रहा है, कोई सोल्जर परेशान तो नहीं है। दैट्स वाई इनको एक टाइटल दिया गया था, लेडी विद द लैम्प। 1860 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्सिंग स्कूल ओपन करती हैं। अब आपको यह रखना है, ये जो नर्सिंग स्कूल ओपन किया गया था ये किस हॉस्पिटल में उन्होंने किया था, तो उस हॉस्पिटल का नाम था सेंट थॉमस हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल था लंदन में। आज की डेट में इनका जो स्कूल है वो पार्ट है किंग्स कॉलेज लंदन का। ओके फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्रीमियन वॉर। क्रीमियन वॉर का पीरियड देखिए फर्स्ट, तो उसका पीरियड है 1853 to 1856। 1857 के हमारे रिवॉल्ट से पहले ये ख़त्म हो जाती है। ओके, इस वॉर में एक तरफ था रशिया और दूसरी तरफ था ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के साथ था यूके या ब्रिटेन, साथ में है फ्रांस और सार्डिनिया। फ्रेंड्स, ये वॉर क्यों हुई थी आपको समझना है। एक्चुअली में ऑटोमन एम्पायर इस टाइम पर वीक हो रहा था और रशिया अपना इन्फ्लुएंस ऑटोमन्स के ऊपर बढ़ाना चाह रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन ये नहीं चाहते कि रशिया का इन्फ्लुएंस ऑटोमन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़े। इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज ये था फ्रेंड्स, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था इस टाइम पर जेरूशलम। जेरूशलम में फ्रांस अपने कैथोलिक चर्च को प्रमोट कर रहा था और दूसरी तरफ रशिया अपने ऑर्थोडॉक्स चर्च को प्रमोट कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से इमीडिएट कॉज आता है, लड़ाई होती है। इस लड़ाई में रशिया हार जाता है और दोनों पार्टी बाद में एक ट्रीटी कर लेती हैं। तो इस वॉर के टाइम पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिन रात सोल्जर्स की हेल्प की थी, उनकी सेवा की थी, दैट्स वाई वो इतनी फेमस होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जब ये वॉर 1856 में ख़त्म हो गई थी, इसके बाद ब्रिटिश सोल्जर्स जो इस वॉर में लड़ रहे थे उनको इंडिया भेज दिया गया था, बिकॉज 1857 में इंडिया में ग्रेट रिवॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, स्टार्ट हो गया था। जब ये सोल्जर्स इंडिया आते हैं देन ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे सिपॉयस को हराने में। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड की अबाउट 130 नेशनल नर्सेज एसोसिएशन का एक फेडरेशन है। ओके, आपको याद रखना है ये यूएनओ का पार्ट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट नहीं है। इसको फाउंड किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था 1899 में। ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है विद वर्ल्ड बैंक, ILO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ये तीन मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ ये एसोसिएटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन वर्क है, मेन ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर क्वालिटी नर्सिंग केयर फॉर ऑल एंड साउंड हेल्थ पॉलिसीज ग्लोबली। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, नर्सिंग पर मेन इसका फोकस रहता है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, 2020 को WHO ने डिक्लेयर किया है किस हम जो है किस फॉर्म में इसको सेलिब्रेट करेंगे, तो किस टाइप से उसे डिक्लेयर किया गया है ये आपको समझना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2020 को डिक्लेयर करती है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ, ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना है कि 12 मई 2020 को ये 200th एनिवर्सरी है, 200th एनिवर्सरी, यस वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। ओके फ्रेंड, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो तैयारी करते रहिए, फोकस पूरा प्रीलिम्स के ऊपर अभी रखिए आप। ओके, नई चीज़ों को अब थोड़ा कम पढ़िए, जिस टॉपिक से कंपोनेंट से आपको डर लग रहा है उसको पहले ख़त्म करिए, अपने डर को दूर करिए। ओके, तो आप कहते हैं ना फ्रेंड्स, डर के आगे जीत है, तो आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है पहले उस पर अटैक करिए, पहले उसको ख़त्म करिए, उसको अपना जो है पॉजिटिव पॉइंट बनाइए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।